सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट मेडिसिन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो वेट गेन करने के लिए गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं। यदि आप गुड हेल्थ कैप्सूल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुड हेल्थ कैप्सूल भूख बढ़ाने की और लीवर के रोगों को ठीक करने की एक आयुर्वेदिक दवा है। आप में से जो लोग इस दवा का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं वो लोग कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएं कि इसका वर्क आप पर कैसा है और आपको ये कितना सेफ लगता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि जैसे ही इस दवा का सेवन वे छोड़ देते हैं तो उनका शारीरिक वजन पहले जितना घट जाता है। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डॉक्टर विश्वास कंपनी क्या कहती है इसके सेवन विधि के बारे में। तो सबसे पहले एक बात आपसे मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो भी लोग एडल्ट हैं वही इस प्रकार की दवा का सेवन कर सकते हैं, कृपया बच्चों को ऐसी दवाएँ बिल्कुल भी आप ना दें। फ्रेंड्स, ये दवा 50 कैप्सूल के पैक में आती है और इसका एक कैप्सूल 3 से 4 रुपए का पड़ता है। यदि आप काफ़ी दुबले पतले हैं और आप अपना शारीरिक वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। आपको रोजाना 2 कैप्सूल का सेवन करना है। आप सुबह और रात भोजन के पश्चात एक एक कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि एक बार आप इस कैप्सूल को लेना शुरू कर देते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको इसका सेवन कंटिन्यूसली करना होगा। यदि आपको इस बीच अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है तो ऐसी स्थिति में आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको इस कैप्सूल से फायदा होता है तो भी आप एकदम से इस कैप्सूल को लेना बिल्कुल भी बंद ना करें। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि उनका वजन इस कैप्सूल को छोड़ने के बाद फिर से पहले जितना घट गया है या पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। इसलिए जब भी आप इस दवा को छोड़ने की या रोकने की सोचें तो दवा को छोड़ने के अंतिम 10 से 15 दिन आप दिन में कम से कम एक कैप्सूल को लिया करें। ऐसा करने से आपका बॉडी वेट दोबारा पहले जितना कम नहीं होगा। इस कैप्सूल को लेने के पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को भी फॉलो करें। आप यदि इतना सब केवल 2 से 3 महीने तक लगातार करते हैं तो आप एक अच्छा फिजिक जरूर बना सकेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों को भूख न के बराबर लगती है या फिर खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, उन लोगों के लिए ये कैप्सूल बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस शुरुआत में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा, लेकिन आपको इसका ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितना इस कैप्सूल का फायदेमंद होना सही है उतना ही इसका ओवरडोज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोजाना आपको केवल 2 ही कैप्सूल इसका लेना है। आगे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दें। तो हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।